please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नावेद सिद्दीकी, इस डिबेट में आपको मैं लाना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, ये जरा बताइए जो कह रहे हैं हाशमी साहब, आप उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये सब एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है? और सीधे तौर पर जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो आप क्यों नहीं जाएंगे वहां पर विधायक होने के नाते? और अगर आप वहां पर जाते हैं तो अचानक से आपको ऐसा डर क्यों लग जाता है कि आपको अपना खुद ही वीडियो वायरल करना पड़ता है माफी का? नावेद सिद्दीकी जी, प्रीति जी, देखिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इस्लाम ये कह जी प्रीति जी ऐसा है, सबसे पहले इस्लाम ये कहता है कि सब हर मजहब का सम्मान कीजिए, हर मजहब का एहतराम कीजिए। इस्लाम में ये नहीं, अभी मैं सुन रहा था शरफुद्दीन भाई भी कह रहे थे और कई लोगों ने कहा इसके इस्लाम ये कहता नहीं है, तो ऐसी चीज़ तो ना कहें कम से कम। तो वारिस पठान वहाँ जाकर उन्होंने गणपति बप्पा मौर्या कहा, ये कहने से उनका कद बढ़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगकर ना सिर्फ अपना कद घटाया बल्कि अपना नहीं बल्कि इस्लाम को भी उन्होंने वहां जाकर इस्लाम को भी उन्होंने डाउन किया, शर्मिंदा किया। तो ये उनको नहीं करना चाहिए था। और तीसरी चीज़ ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने पहले तो कह दिया जाकर फिर माफ़ी मांगी, मालूम नहीं किसके कहने पर क्या कहा, तो उनको एक तो अगर इतने ही वो फैनेटिक थे तो उनको जाना नहीं चाहिए था। लेकिन हम लोग जिस देश में रहते हैं, ये गंगा जमनी तहजीब की बात हो रही है, तो मैं यही चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे ये तुलसी का उपवन है, ये गालिब की धरती है, गालिब की ज़मीन है, रसखान के छंद हैं यहाँ, हरिदास के संगीत की यहाँ रसधार बह रही है, मीरा के मधुर वीणा की यहाँ झनकार है, और हम लोग यहाँ देश को बांटने पर लगे हुए हैं। आज हम डेवलपमेंट पर बात नहीं कर रहे हैं, आज वारिस पठान जैसा इंसान एक लीडर है, आज हम ये बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर डिबेट हो रही है कि उन्होंने क्या कह दिया। और तो देखिए ये सरासर जो है, आज हम लोग और डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के अफसोस की बात है कि हम लोग आ जाते हैं उसी हिंदू और मुस्लिम के ऊपर, आज मजहब को राजनीति में लेकर के आ रहे हैं, सियासत अब धर्म के आसपास गूंजती है, आज धर्म के ऊपर कोई भी अगर टिप्पणी करता है तो पूरी डिबेट होती है, हमारे प्रवक्ता जाते हैं बैठते हैं और एक घंटे तक हम लोग उस पर बहस करते हैं। शराफुद्दीन, आपने नावेद सिद्दीकी को सुना, आपने मसूद हाशमी को सुना, कि आप दूसरे का सम्मान ना आप मुस्लिम स्कॉलर जरूर होंगे, ना तो आपको इस्लाम की जानकारी है, ना आपको वतन की जानकारी है, ना ही आप जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं उनके दूसरों के त्योहारों के बारे में जानकारी है। शर्मिंदगी हो रही है आपको? खुश हो रहा है अभी तो नहीं, मुझे आपकी हंसी समझ में नहीं आई। जितने लोगों ने मिसाल दी मोहम्मद रफी की, मीरा की, जितने लोगों ने मिसाल दी नौशाद की, हमारे लिए वो मिसाल नहीं है, हमारे लिए मिसाल है अल्लाह के रसूल मोहम्मद अज़म, जिन्होंने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की और वही अमल किया और कुरान में वही हुक्म है। अब आइए दूसरी बात, श्री कृष्ण अभी भी यही हुक्म दे रहे हैं। क्या मैं बीच में आ सकता हूँ? अरे धार्मिक किताब छोड़ना मूर्खता है, छोड़ के अपनी मर्जी चलाना मूर्खता है, कुरान हदीस वेदा गीता को छोड़ना मूर्खता है। नावेद सिद्दीकी आप बोलिए, ऊपर आइए, देखिए सीखिए और सच्ची बात मानिए। देखिए शरफुद्दीन साहब से गुजारिश है, देखिए आप, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे आगाज मालूम है, मुझे अंजाम मालूम है, मुझे आगाज मालूम है, मुझे अंजाम मालूम है, मैं दाढ़ी तो नहीं रखता मगर इस्लाम मालूम है, तो इस्लाम क्या कहता है वो मुझे भी मालूम है। और इस तरीके की डिबेट में आकर के ये ट्रैप में फंस करके देश को बांटने की कोशिश मत कीजिए, देश को इस्लाम मसीह की देश को बांटने की कोशिश मत कीजिए। आप मोहम्मद रफी से, आप जैसे लोग डिबेट में बैठ करके तो गलत ये देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल सही, आज हमारे वो सही बता रहे हैं, अरे हमारे आम आदमी पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा है, आप इन जैसे लोगों को मौका दे रहे हैं, नाम को शर्मिंदा कर रहे हैं, शरफुद्दीन साहब आप इन जैसे लोगों को मौका दे रहे हैं ऐसी बात करके, और यही चेहरे बड़े अफसोस की बात है, आपके चेहरे ये लोग बिना झूठ के बिना मन के परिंदे के सच कह देते हैं कि इनके मन में कितनी घृणा है हिंदू धर्म के प्रति, ये कितने घृणा रखते हैं हिंदू धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति कितनी इनके मन में घृणा है, ये इस बात से जाहिर हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अरे कौन सी किताब की बात कर रहे हो, कौन सी किताब की बात कर रहे हो बताओ ना, कौन सी किताब की बात कर रहे हो? उपनिषद खोलो, खोला
खोला किसी दूसरे के, किसी दूसरे के ईश्वर के यहाँ जाकर उसे अपनी भूल बना रहा है। कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी आसमानी किताब में लिखा है, कौन से सूर्य में लिखा है, बताओ कि पहले किसी के धर्म ग्रंथ में जाओ, पहले किसी के धार्मिक उत्सव के अंदर जाओ और बाकी वहां जाकर कहो कि मैंने गुनाह कर दिया। मैं वहां जाकर कह दो गुनाह कर दिया। तुम्हारी सारी मजारे हिंदुओं के चंदे से चलती है, तुम्हारी जेब में जो पैसा वो हिंदुओं के दिए हुए टैक्स का है। अगर तुम्हारे में इतनी शराबत है तो हिंदू के दिए हुए टैक्स आप सबकी आवाज में डाउन करवा दूंगी।